गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम नीलम भार्गव और बाय प्रोफेशन एक टीचर थी। 21 में रिटायर हुई और 22 में मैंने मोदी कर को ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर लोग जो हैं अपने सपने जो हैं वो बहुत पूरे जो है वो कर पा रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जो है जो मेरे सपने हैं जो मेरे ड्रीम्स हैं उसको इसी से पूरा जो है वो कर सकती हूँ। और मैंने रचना जी ने जब मुझे इसके बारे में बताया तो मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स भी जो है वो बहुत ही वंडरफुल हैं। तो आज का सेशन जो है वो बहुत ही जोरदार होने वाला है, क्योंकि जैसा कि टॉपिक है कि आपका फोन आपका दोस्त या आपका दुश्मन। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे हम सुबह उठते हैं, भगवान का नाम लें या ना लें, फटाफट से हम मोबाइल को जो है खोलते हैं, मैसेजेस जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। तो हम सबको मालूम है कि इनसे जो रेडिएशन निकलता है स्मार्टफोन से या जो भी हमारे घर में गैजेट्स हैं उनसे जो रेडिएशन निकलती है वो कितनी हमारी सेहत के लिए हार्मफुल है। क्योंकि हार्ट अटैक और कैंसर, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसकी ग्रोथ में जो है वो रुकावट हो रही है, और सबसे बड़ा जोखिम जो है वो ये हमारे डीएनए को नुकसान जो है वो पहुंचा रहा है। तो आज इस सेशन को, क्योंकि ये इतना बढ़िया सेशन होने वाला है, तो एक तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अगर आपके बच्चे पास में हैं तो उन सबको बिठा कर जो है इसको दिखाएं। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे जीआरडीडी लीडर नवीन सर को, जो कि एक कर्मठ प्रतिभाशाली और डायनामिक लीडर हैं और जिन्होंने इस टॉपिक पर इतना काम किया है कि स्कूल के बच्चों ने प्रॉमिस किया है कि वे सिर्फ पढ़ाई के समय ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। तो स्वागत करती हूँ नवीन सर का। वेलकम सर। थैंक यू मैम इस वार्म वेलकम के लिए। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो टॉपिक आज का है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और टॉपिक ही ऐसा है कि जो हमारे परिवार से जुड़ा है, हम सबसे जुड़ा है। तो उस टॉपिक से चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। नाम मेरा नवीन खरकवाल है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, चंपावत डिस्ट्रिक्ट से। और मुझे, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैंने 19 साल का मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है जहाँ पर मैंने काम किया। और उसके बाद मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई मोदी केयर के रूप में, डायरेक्ट सेलिंग के रूप में, और उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। और यहाँ पर काम करने के बाद वो सारे सपने पूरे हुए जो शायद नौकरी में कभी नहीं होते। जब ये सपने पूरे करने की बातें आती हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें मोदी केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं। उन प्रोडक्ट के अंदर भी अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हों जो ज़िंदगी बदल रहे हों लोगों की, तो क्या कहना है। ऐसे मोदी केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनमें से आज स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या वो प्रोडक्ट है और कैसे वो आज आप लोगों के लिए मदद करेगा, आपके परिवार के लिए मदद करेगा। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे बताया, मोबाइल फोन आपका दोस्त या दुश्मन। तो जैसे मोबाइल फोन की बात आती है, उसका दोस्त या दुश्मन की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मोबाइल फोन आपका दोस्त या दुश्मन है, तो जितने लोगों को लगता है कि मोबाइल फोन आपका दुश्मन है, तो एक बार रेज हैंड कर सकते हैं। जिसको लगता है कि मोबाइल फोन आपका दुश्मन है, पहले दुश्मन वाले ढूंढ रहे हैं। कितने लोग हैं, कोई ऐसे लोग जो जिनको लगता है कि दुश्मन है? चलिए, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग हैं। अरे तो बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि दुश्मन है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मोबाइल फोन आपका दुश्मन है। तो क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं? चलिए, दुश्मन वाला छोड़ देते हैं। अभी बहुत सारे लोग हो गए जो कह रहे हैं कि मोबाइल फोन हमारा दुश्मन है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, कितने लोग ऐसे मीटिंग में बैठे हैं जो ये कहते हैं कि मोबाइल फोन हमारा दोस्त है? क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मोबाइल फोन हमारा दोस्त है? दोस्त वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप सभी लोग ये कहना चाहते हैं कि मोबाइल फोन लोग हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन को। तो स्मार्टफोन हमारा दोस्त है या दुश्मन है? जैसे कि मैंने आप सभी से पूछा था, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि स्मार्टफोन हमारा दुश्मन है, और कई लोगों ने बोला कि स्मार्टफोन हमारा दोस्त है। तो दोनों तरह के लोग हमारे बीच में थे। जस्ट अ मिनट। अब बात किसकी सही है, किसकी गलत है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कर रहा है, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे।
चलिए अब इसमें हम चर्चा करेंगे कौन सही है कौन गलत है। कुछ चीजें हम लोग देखते हैं उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सही है। अगर हम पहले की बात करते हैं, हम थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, 20-25 साल पहले या 10 साल पहले की बात कर लीजिए, 15 साल पहले की बात कर लीजिए। एक बिजली का बिल जमा करना है हमने, पानी का बिल जमा करना है, टेलीफोन का बिल जमा करना पड़ता था, तो ऐसे लाइन में लगना पड़ता था। ये हमारी सिचुएशन हुआ करती थी जब स्मार्टफोन हमारे पास नहीं था। आज की डेट में क्या है, अब जीवन आसान हो गया, घर बैठे बैठे आप एक मोबाइल क्लिक करके आप अपने बिल भर देते हैं सारे के सारे, तो चीजें आसान हो गई हैं। इसका मतलब अब ये बैंक का नजारा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नजारा है। पैसे का लेन देन करना बहुत समय लगता था, बैंक जाने का मतलब कम से कम 2 घंटे का समय गया आपका, ये हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। हल्द्वानी के अंदर स्टेट बैंक के अंदर ऐसी ही स्थिति रहा करती थी, पैर रखने को जगह नहीं है, सब अस्त व्यस्त रहता था। आज आप घर बैठे एक मोबाइल से क्लिक करते हो, पूरी बैंकिंग आपके मोबाइल पे है। ये हमने मोबाइल ने हमको दिया है। एजुकेशन की बात करते हैं तो आज डिजिटल क्लास आपकी चलती है, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे 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 टीचर से आप पढ़ाई कर ले रहे हो, ऑनलाइन कोर्स आपको हार्वर्ड से तक आप पढ़ाई कर सकते हो ऑनलाइन पे। रिमोट एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर आप ऑनलाइन एजुकेशन में अच्छे से अच्छे कोर्सेज आप कर सकते हो। ये सब किसने दिया, मोबाइल ने दिया। कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो परिवार और मित्रों के साथ बातचीत करना, पहले के समय में क्या होता था, मान लेते परिवार का कोई मुखिया था वो नौकरी के लिए बाहर चले गया, मान लेते कोई आदमी हल्द्वानी रह रहा है दिल्ली नौकरी के लिए चले गया, तो उससे वो अपने बच्चों को अपनी फैमिली को कब देखेगा, जब वापस आएगा, तो फैमिली वाले भी कब देखेंगे, जब वापस आएगा, तो तब तक एक दूसरे को फेस नहीं देख सकते थे। और आज की डेट में क्या है, रोज एक दूसरे, आप अगर बाहर भी हो तो वीडियो कॉल में एक दूसरे से संपर्क में आप बने हो। ये किसकी देन है, ये मोबाइल की देन है जी। तो स्मार्टफोन ने कैसे हमारी जिंदगी को आसान बना दिया, बहुत आसान बना दिया है। आज पहले तक कहीं जाते थे रात का अंधेरा है तो क्या है, सबसे पहले टॉर्च ढूंढते थे, अब फ्लैश लाइट है आपके पास, टॉर्च की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर अलग लाना पड़ता था हिसाब लगाना, तो भाई आपके मोबाइल में सब कुछ है। कंपास ढूंढने की जरूरत है मोबाइल के अंदर है। सोशल मीडिया का आप यूज कर रहे हो, मौसम की जानकारी पहले से, आपको कहीं भी जाना है तो वेदर आप पहले चेक कर लेते हो। ठीक है, पहले कोई भी फंक्शन है फोटोग्राफ खींचना है तो जब तक कैमरा नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, आज सब मोबाइल के अंदर है। गाने सुनने हैं तो मोबाइल के अंदर है, नोट्स रिमाइंडर बुक बनाने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स में जो है मोबाइल के अंदर कर सकते हो सारा काम। पहले एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था तो कई जगह पूछना पड़ता था, हल्द्वानी से दिल्ली जाने का मतलब जहां पर 2 रास्ते दिखेंगे तो पूछना पड़ता था कि दिल्ली के लिए कौन कहाँ से जाएंगे। आज की डेट में क्या करते हैं आप लोग, नेविगेशन ऑन कर दिया, गूगल मैप लगा दिया और आप पहुंच जाते हैं। ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी मोबाइल की देन है। इसके अलावा कोई भी समाचार आपने सुनना है तो टीवी में जाने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके मोबाइल के अंदर है। मनोरंजन की बात कर लीजिए, मूवी की बात कर लीजिए, बुक्स की बात कर लीजिए, मैगजीन है, गेम्स हैं, मैसेज है, ईमेल है, सब कुछ आपको क्या है, एक मोबाइल के अंदर दे रहे हैं। इसका मतलब स्मार्टफोन हमारी जिंदगी में एक बहुत सकारात्मक उसका रोल है। तो मोबाइल उपयोग करने पर आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, यही मोबाइल दुरुपयोग करने पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। तो हमने जब हमने कहा था आपसे, पहले सवाल पूछा था कि आपका मोबाइल दोस्त है या दुश्मन है, तो वहां पर क्या हुआ था, सबने क्या कहा था, कुछ लोगों ने कहा था कि दोस्त है और कुछ लोगों ने कहा था कि दुश्मन है। तो ये दोनों चीजें, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों चीज हैं, अब ये आपके ऊपर रहेगा। आज के सेशन में हमने क्योंकि मैसेज दिया था बच्चों को फोकस करते हुए, अगर बच्चों की बात करते हैं, हर बच्चा बड़ा होकर कुछ बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई आर्मी अफसर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाह रहा है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, कुछ ना कुछ एक आदमी का सपना होता है जिसको लेके वो आगे बढ़ना चाहता है। हर बच्चे का ये ड्रीम होता है कि वो कुछ आगे करे। अब आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, हर बच्चा वो अपना सपना पूरा कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपका फोकस होना जरूरी है। आपका ड्रीम तो पूरा होगा तब भी उपाय हो पाएगा जब आप एजुकेशन पे फोकस कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई पे प्रॉपर फोकस कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से वो आपका वो हर सपना पूरा हो सकता है जो आप देखते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ के बनना चाहते हैं। अब फोकस होने में दिक्कत क्या आ रही है, आज के समय में फोकस करने में सबसे बड़ी रुकावट भी है, स्मार्टफोन ही बन गया है। तो बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त ये है, स्मार्टफोन बन चुका है, दोस्त के साथ दुश्मन भी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी स्टडी हुई है इसके ऊपर, और वो स्टडी ऐसी नॉर्मल नहीं है, स्टडी हुई है, उसके बाद नेशनल लेवल पे इसके ऊपर चर्चा हुई है, इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा हुई है, और बताया जाता है कि स्मार्टफोन के यूज से
आपका कंसंट्रेशन आपका भंग हो रहा है। ये वीडियो आपके सामने देखिए क्या स्थिति हो रही है। के मोबाइल फोन पर वीडियोस देखने से और गेम खेलने से बच्चों के मन और मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है और ऐसे बच्चों में एकाग्रता की भी बहुत कमी हो जाती है। फिर उन्हें ये समस्या हर जगह होती है। जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तब वो एकाग्रता के साथ क्लास में बैठ नहीं पाते। अब जो बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं, फोकस कर रहे हैं पढ़ाई को, लेकिन पढ़ने के बाद भी वो फोकस नहीं कर पाते हैं कि उसके दिमाग में ये चीज चल रही है जो मोबाइल के अंदर है। तो मोबाइल रेडिएशन के, मोबाइल के जो साइड इफेक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ाई पे फोकस नहीं बनता। होता है क्या, जब बच्चा मोबाइल यूज करके, पहले चलो पढ़ाई से पहले उसने मोबाइल यूज किया, मोबाइल में उसने जो भी एक्टिविटी करी, तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लगातार कुछ नया देखने की आदत हो जाती है, तो उनका है कि एक जगह फोकस नहीं बन पाता है। पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो उनके दिमाग में क्या होता है, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन जो सोशल मीडिया में जहां पर वो एक्टिविटी करके आते हैं वो दिमाग में उनके बैकग्राउंड में चलता रहता है, चलता रहता है, तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चा पढ़ना भी चाहता है तो फोकस नहीं कर पा रहा है, ये स्टडी में सामने आया है। तो जिससे क्या होता है कि जब ठीक टाइम पे जब आपको फोकस की जरूरत है, एग्जाम हॉल में जा रहे हो, पढ़ाई एग्जाम देने हैं आपने, लेकिन वहां पर आप जाने के बाद चीजें आपको याद नहीं आती हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थिति बन रही है, ये वीडियो में बताया गया। सबसे खतरनाक जो साइड इफेक्ट है वो है मोबाइल रेडिएशन के साइड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आंखों के लिए बहुत ही खतरनाक है। आंखों की सेहत खराब हो सकती है और इसका असर जीवन भर पड़ सकता है। आंखें सूखने लगती हैं, ड्राई आई की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और धुंधलापन आने लग जाएगा। और मोबाइल फोन के सबसे खतरनाक नेगेटिव जो इसका एस्पेक्ट है उसमें से आंखों की दिक्कत है। इतनी खतरनाक है हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक डॉक्टर से मिलवाता हूँ जिनके क्लिनिक में बहुत सारे बच्चे आए, उन्होंने कुछ उसके ऊपर स्टडी करी, वो क्या कहते हैं देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी। दोस्तों आज इस वीडियो के थ्रू मैं मेरे क्लिनिक का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज साबित हो सकता है लाइफ में। दोस्तों इनफैक्ट काफी टाइम से मैंने देखा कि मेरी क्लिनिक में जो स्कूल गोइंग और कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं ये काफी ज्यादा आने लगे, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स या आप कह सकते हैं बीमारियां लेके। इन बच्चों के अंदर दोस्तों हेडेक देखने को मिला। दोस्तों इन बच्चों को ड्राई आईज रहने लगी, आंखों में मतलब सूखापन, उसकी वजह से आंखों में डिस्कम्फर्ट रहने लगा, आईज वीक होने लगी और काफी लोगों को ब्लाइंडनेस यानी उनको जो है बिल्कुल विजन जो है बहुत डिम हो गया या काफी हद तक आप कह सकते हो अंधेपन की तरफ शिकार होने लगे। ये मैंने काफी कॉमन कंप्लेंट्स देखी। अभी कुछ टाइम पहले एक बच्ची आई जो लगभग 17 इयर्स ओल्ड थी। उस 17 बच्ची का भी स्क्रीन टाइम उसने बताया कि डेली जो है 5-6 घंटे स्क्रीन टाइम है और पिछले 2-3 साल से मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ। स्टडी में भी यूज कर रही थी और बाकी उसका सोशल मीडिया पे भी टाइम और गेम्स वगैरह के अंदर उसको ऑलमोस्ट ब्लाइंडनेस सी हो गई। दोस्तों ये जो जितनी भी मैंने अभी तक आपको बीमारियां बताई, ये बच्चों की, स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे, इन सब के अंदर एक कॉमन कारण निकल के आया, मोबाइल का एक्सेस यूज या मैं बोलूंगा मोबाइल का मिस यूज। दोस्तों तो ये स्टडी कहती है, ये डॉक्टर्स बता रहे हैं कि क्या कंडीशन आज की डेट में बच्चों की हो रही है। तो अभी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, बच्चों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर आगे जाके आपकी आंख खराब हो सकती है तो हमें क्या है कंट्रोल करना पड़ेगा। माँ बाप को भी सोचना पड़ेगा कि हम बच्चों के ध्यान रखें कि बच्चों को ज्यादा समय तक मोबाइल बच्चे के हाथ में ना हो, क्योंकि इससे बहुत गंभीर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। एक और साइड इफेक्ट है कि नींद ना आना। मोबाइल फोन से निकलने वाली किरणें जो प्राकृतिक नींद पैटर्न यानी कि हमारा स्लीपिंग पैटर्न को ही बिगाड़ देती है। फोन से निकलने वाले ब्लू रेज जो है रात में मस्तिष्क यानी ब्लू रेज के कारण क्या होता है, बच्चा रात को सो जाता है, उसको बच्चे को सो जाओ, अब सो तो रहा है आंख बंद कर रहा है लेकिन उसकी आंखों में भी वो चीजें घूमते रहती हैं, तो उसको प्रॉपर नींद नहीं आती है। और आज के टाइम में मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि भैया, आज का मेडिकल साइंस जो कहता है वो कहता है भैया प्रॉपर नींद होना जरूरी है, अगर नींद नहीं प्रॉपर आएगी तो क्या होगा, बाकी का जो पूरा टाइम आपका बचता है वो टाइम प्रॉपर आपका यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज के लेके अभी बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके ऊपर बात करी थी, क्या कहते हैं वो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा वो सारे बच्चे। भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते ही गए, कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं, क्या निकाला पहला रील देखा था याद करो जरा, याद भी नहीं है, ऐसे ही देख रहे हैं। आधुनिक हेल्थ साइंस जो है वो नींद को बहुत तवज्जो देता है। तो यहां पर भी इन्होंने यही बोला कि एक रील दूसरी रील सोशल मीडिया पर समय हम बिताते चले जा रहे हैं, बिताए, एंड रिजल्ट उसका क्या मिला, वही मोदी जी भी फोकस कर रहे हैं कि एंड रिजल्ट आपको क्या मिला, पहली रील देखी वो याद नहीं है, सिर्फ हम अपना समय बिता रहे हैं जिससे कि हमारी माइंड पे आंखों पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, आगे और समझते हैं।
इसके अलावा साइबर बुलिंग का शिकार यहाँ पर बच्चे हो जा रहे हैं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी ख्याल करना पड़ेगा कि जब बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल होने के बाद जब आपस में बातें करते हैं, आजकल वीडियो कॉलिंग भी होती है, बहुत सारे ऐसे जो अपराधी होते हैं, साइबर क्राइम जो लोग करते हैं, बच्चों को गलत तरीके से फंसा देते हैं, जिसके कारण बच्चे अनजाने में कुछ गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण कि फिर उनको ब्लैकमेल होना पड़ता है, डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी कंडीशन में सुसाइड कर लेते हैं। तो ये भी इसका बहुत एक नेगेटिव पार्ट है, तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा बच्चों को, ये चीज़ अवेयरनेस भी होनी चाहिए बच्चों के सामने कि कैसे मोबाइल यूज करना है। अब कुछ चीज़ हम लोग देखते हैं कि माता पिताओं को भी समझना पड़ेगा, कहीं अनजाने में आपसे तो कोई गलती नहीं हो रही है, हम बच्चों के लिए तो हमने बात करी है, लेकिन माँ बाप को, पेरेंट्स को भी एक बार समझना पड़ेगा। तो कुछ ये स्टडी है, ये भी जी न्यूज की स्टडी है, पूरी रिसर्च रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है 87% माँ बाप, 87% माँ बाप सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखते हैं, और वो बच्चे भी अपने माँ बाप को ये करते हुए देख रहे हैं। 90% माँ बाप फोन में बिजी रहते वक्त बच्चे कुछ पूछ लेते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं जी। 90% माँ बाप बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, 90% लोग। 60% जो माँ बाप हैं, चाहे परिवार के साथ हो या खाने के, मोबाइल अपने साथ रखते हैं, खाने के साथ भी हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं तो भी मोबाइल उनके साथ चल रहा है। 34% माँ बाप बच्चों के साथ होते हुए भी मोबाइल देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, केवल 31% लोग ऐसे हैं जो 2 घंटे से ऊपर का समय बच्चों को दे रहे हैं। तो यानी हमें सोचना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में हम लोगों से भी कोई गलती हो रही हो और हम बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। ये एक समझने का विषय है, कुछ कड़वा सच है, ध्यान से इसको देखते हैं। सर्वे में ये भी सामने आया कि बच्चे अकेलेपन से बचने के लिए मोबाइल में घुसे रहते हैं, माँ बाप के मना करने के बाद भी मोबाइल फोन में बिजी रहते हैं। ये वाकई में हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं, लेकिन सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, सच ही होता है। आज की लाइफ में मोबाइल फोन के बिना ऑनेस्टली यू कैन नॉट लिव। और जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, आई मायसेल्फ सेज कि मैं फेसबुक पे आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड अ सिंगल मोमेंट ऑफ माइंड। एवरी टाइम आई ट्राई टू यू डिलीट इट, बट फेसबुक खुद से लॉग आउट होने के बाद खुद हमें इतना आसानी से लॉग इन करने देता है, लॉग इन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद से अकाउंट खोल देता है। एंड देन वी आर स्पेंडिंग होल लॉट ऑफ टाइम, एंड अल्टीमेटली जानते हो अभी कि यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, आपको बच्चों को देना है, अपनी जॉब को देना है, फिर वी आर यूजिंग द फेसबुक एज पर देयर चॉइस। सो अल्टीमेटली इट इज वेस्टिंग आवर टाइम, प्रेशियस टाइम, और बच्चों पे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम आउटिंग पे बच्चों के साथ भी जा रहे हैं तो हम ना चाहते हुए भी हम लोग मेल का रिप्लाई करने के चक्कर में हम फिर अंदर ही अंदर चले जाते हैं, और वो टाइम हमारा जो बच्चों के साथ होना चाहिए वो हमारा अपने सोशल मीडिया पे चला जाता है। इससे हम एक्चुअली जो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। ना चाहते हुए कई बार क्या होता है, आपको कोई इंस्टाग्राम ले लो, किसी एक पर्सन की रील अच्छी लगनी शुरू हो गई, आप उसे स्क्रॉल करना शुरू हो जाते हो, तो वो एडिक्शन बन चुका है। तो कोशिश करने के बावजूद भी कम नहीं कर पाते। ऐसा होता है कितनी बार कि मैं इतना उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती हूँ कि मेरी बेटी मुझे कुछ अगर कह जाती है तो वो उसको रिपीट करना पड़ता है, मम्मा आप मेरी बात नहीं सुन रहे। जब मम्मा फोन यूज करना स्टार्ट करती है, मैं बुलाऊं तब भी वो सुने ना सुने वो उसका श्योर नहीं होता, ज्यादातर वो नहीं सुनती है क्योंकि रील्स एंड चैटिंग में बहुत पता ही चलता टाइम कब निकल। मम्मा फोन देखती है तब मैं 2-3 बार आवाज, एक बार 2 बार ऐसा ही हुआ है कि 2-3 बार आवाज लगा रहा हूँ फिर भी मैं सुन ही नहीं रही हूँ वो। तो ये जो बता रहे हैं, पेरेंट्स भी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हम लोग जाने अनजाने इस चीज को हम लोग जो है गलती कर रहे हैं, बच्चे भी बता रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे इस मीटिंग में देख रहे हैं, आप लोगों ने, जो पेरेंट्स हैं, आपने खुद से पूछना है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गलती हम भी कर रहे हो, हम बच्चों को तो दोष दे ही रहे हैं, अनजाने में ऐसा तो नहीं कि हमसे भी कोई गलती हो, ये आत्ममंथन का विषय है, सोचने का विषय है। अब मोबाइल फोन का जो है, मोबाइल एडिक्शन का जो सीधा असर है वो दिमाग पे पड़ रहा है। मैं आपको एक रिसर्च रिपोर्ट दिखाऊंगा यहाँ पर, जो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी करी है, इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे कोई आदमी नशे में चले जाता है, यानी जब उसकी मेमोरी लॉस, नशे में क्या आता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता है तो उसके दिमाग प्रॉपर काम नहीं करेगा, उस कंडीशन पे मोबाइल आपको लेके चले जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी कंडीशन क्या हो रही है। एक रिसर्च हुई है, वो रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने है। There is something happening in young addicted brains. In early studies, Chinese researchers compared brain scans of average adolescent internet users to internet addicted adolescents. In red,
you can see the affected areas of the addict's brain, areas responsible for decision-making, emotions, and self-control. Screen addiction distorts the same brain function as alcohol, drugs, and gambling. And it's exactly what was happening inside Tam Neal's brain. तो ये स्थिति बनी हुई है, तो अब क्या करना है? मोबाइल रेडिएशन तो दुश्मन बन गया। देखो, मोबाइल की लत तो नुकसान दे रही है, उसके साथ साथ मोबाइल रेडिएशन जान का दुश्मन बन गया है इस वक्त। दोनों चीजें चल रही हैं एक साथ। तो अब इससे बचा कैसे जाए? तो मोबाइल रेडिएशन आज के लिए बहुत मुश्किल काम हो चुका है इससे बचना, क्योंकि हर किसी के लाइफ में मोबाइल के बिना तो काम चलेगा नहीं। और यहां पर हम लोग अब एक दायरे के अंदर फंस गए हैं। कितनी स्थिति खराब है ये आपके सामने है, देखिए। दुनिया भर के 200 देशों के वैज्ञानिकों और प्रोफेसर्स ने रिसर्च के दौरान ये पाया कि वाईफाई, सेलफोन्स और स्मार्ट मीटर से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से लंबे अंतराल में कैंसर होने का खतरा है। इसके अलावा लगातार वाईफाई नेटवर्क में रहने से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सीखने और याद रखने की क्षमता पर असर, सिरदर्द, चिंता और डिप्रेशन की समस्या का सामना भी आपको कर। ये स्थिति है जो रेडिएशन से हो रही है, यानी मोबाइल रेडिएशन जान का दुश्मन बना हुआ है, ठीक है। ये अखबार की कटिंग है जो बता रही है। समय समय पर हमको जो है न्यूज़पेपर में भी चीजें सुनने को देखने को मिलती हैं। आदिनाथ मार्ग पर ज्यादा रेडिएशन से 7 लोगों को कैंसर, 2 की मौत, ये अखबार की कटिंग है। ब्रेन ट्यूमर का खतरा, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, अखबार की कटिंग है। बांझपन का खतरा, बच्चे होने में दिक्कत आ रही है, ये डॉक्टर्स की रिपोर्टें हैं जो स्टडी बता रही है। तो आए दिन इसके बारे में चर्चाएं होती रहती हैं कि मोबाइल फोन कैंसर का एक कारण बन चुका है और ये आपके डीएनए तक को इफेक्ट कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद शरीर के सेल्स यानी कोशिकाओं पर बुरा असर पड़ता है और यही कैंसर की वजह बनती है। रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं उनके मुताबिक वाईफाई के संपर्क में ज्यादा वक्त तक रहने से न सिर्फ कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है बल्कि इंसान के डीएनए में भी बदलाव आ सकता है। इतनी खतरनाक पोजीशन में इस वक्त अगर हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो रेडिएशन का ये इम्पैक्ट तक हो सकते हैं। और जितने भी डेटाज हैं ये आपको मैं न्यूज चैनल के दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी आदमी ने ऐसे कर दिया, पूरा स्टडी के बाद आया है। अब कई बार दिमाग में आता है क्या मोबाइल रेडिएशन वास्तव में ये रेडिएशन मायने रखता है नहीं रखता है। कई लोग सोचते भाई मोबाइल फोन अगर है तो भाई कंपनी प्रोटेक्शन करती होंगी, ऐसा तो कोई खतरा होता है या नहीं होता है। तो WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना कि मोबाइल रेडिएशन कैंसर का कारण बन सकता है। इन्होंने भी इस चीज को माना है, एक्सेप्ट किया है। CNN में न्यूज चैनल में इसके बारे में चर्चा हुई है। We have an announcement finally on whether cell phones cause cancer. It's something that could affect all of us and our children. Scientists from the World Health Organization have been reviewing studies for the last week or so. I want to bring in our senior medical correspondent, Elizabeth Cohen, who joins us live with the findings. Essentially, what did they find? The World Health Organization says that the radiation from mobile devices like cell phones is a possible carcinogen to humans. तो ये भी डिक्लेयर है कि भैया WHO की तरफ से कैंसर का कारण बन सकता है। अभी बहुत सारी देर अगर बात करते हैं, दुनिया में बहुत सारी जगह वाईफाई स्कूलों और ओल्ड एज होम के आसपास बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। ये अलग अलग जगह के हैं, आपके सामने, ये आपके सामने ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, स्विस सरकार ने मोबाइल फोन और अन्य गैजेट का जहां पर भी है उसके आसपास ये बंद कर दिया है, ठीक है। यूरोप में भी चल रहा है, अलग अलग जगह आपके सामने ये डेटाज हैं। ये विदेशों में तो हो ही रहा है, यानी कि जो भी स्कूल के आसपास का एरिया है, ओल्ड एज होम के आसपास का एरिया है, हॉस्पिटल के आसपास का एरिया, ऐसी जगह से टावर हटाने शुरू कर दिए और लगाने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। हिंदुस्तान के अंदर भी देख लिया, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी जो है स्कूल और आसपास, स्कूल और अस्पताल के आसपास टावर लगाने से रोक लगा दी है। मैं यहाँ इंडिया की बात कर रहा हूँ, राजस्थान हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ। मुंबई में शिक्षण संस्थानों, वृद्धाश्रम के आसपास 100 मीटर के दायरे में टावर लगाने पर रोक लगा दी है। BMC की बात करें, पार्कों, खेल के मैदानों, मोबाइल में टावर, उसके आसपास टावर बंद कर दिए हैं। कर्नाटका में ये सब, ये जो है आप देख सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि मामला सीरियस है, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। EMR का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो बच्चों को पड़ता है। ये साबित करने में कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, 150 साल लगे थे, 150 साल तक लोग सिगरेट तंबाकू पीते गए। जब बहुत सारा कैंसर 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 हो गया तो क्या हो गया, तब जाके फिर सबसे पहले उस पर लिखा गया सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धीरे धीरे अब आजकल देखते हैं तो उसमें पूरा कैंसर वाली फोटो आती है, क्योंकि जब इतने सारे नुकसान हो गया, इतना सारा लोगों को कैंसर हो गया तंबाकू से। आज मोबाइल रेडिएशन अपने आप में बहुत नुकसान कर रहा है,
लेकिन क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग अभी इसके ऊपर इतना जागरूक नहीं है। बच्चे को सिगरेट तो नहीं देंगे, लेकिन मोबाइल हाथ पे देते हैं, तो अभी जागरूकता की कमी है। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करते हैं, छोटे बच्चों से शुरुआत हो जाती है, ठीक है, कोई बच्चा ऐसा नहीं बनना चाहेगा, कोई माँ बाप ऐसे बच्चे नहीं चाहेंगे अपने साथ। इतना इम्पैक्ट डालता होगा, सोचो सोते हुए बच्चे का ये स्थिति, नींद में भी बच्चे का पूरा पूरा पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बनना चाहेगा, कोई माँ बाप ऐसे बच्चे नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में ऐसा हो। मोबाइल फोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स छोटे बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि कुछ ही समय में सैरी विलियम्स को डैमेज कर सकती है। सैरी विलियम्स दिमाग का वो हिस्सा होता है जिसको आप छोटा दिमाग बोलते हैं, यही वो हिस्सा होता है जिससे आपकी बॉडी को कमांड मिलती है कि कब सीधे चलना है, कब लेटना है, कब बैठना है, और इसके बिना आप अपनी उंगली हिलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये सिचुएशन आ जाती है। यह बच्ची दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट थी, इसका वीडियो इसके डॉक्टर्स ने बनाया था। अगर इस बच्ची के हाथ में मोबाइल नहीं होता तो इसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो को शूट करते समय इस बच्चे की माँ के आंसू नहीं थम रहे थे, लेकिन उसके पति ने उसका हौसला बढ़ाया कि तुम ये वीडियो बनाओ ताकि किसी और माँ या उसके बच्चे को ये दिन ना देखना पड़े। ऐसी स्थिति बच्चों की हो जा रही है इस एडिक्शन से, रेडिएशन से, तो बहुत खतरनाक स्थितियां हैं। तो ये लड़का दिन रात अपने मोबाइल पर पबजी गेम खेला करता था, जिस कारण इस लड़की की ऐसी हालत हो गई। इस लड़के को एक भी पल बिना मोबाइल के रहा नहीं जाता और ये दिमागी रूप से पूरा पागल हो चुका है। अब जो ये स्थितियां बनती है ना, ये स्थितियां एकदम से नहीं बनती हैं। आप लगातार यूज करते हैं, यूज करते 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 बच्चे को पता नहीं चलेगा कि उसका ये कब ये पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया, पता ही नहीं चलेगा। तो अगर हम अभी कैजुअली इस चीज को लेंगे और इग्नोर करेंगे चीजों को, माँ बाप भी इग्नोर करते हैं, बच्चे भी इग्नोर कर रहे हैं, चलो ठीक है कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, अचानक से होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, तब तक चीजें हाथ से निकल जाएंगी, तो इससे हमें बचना ही पड़ेगा। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, वाईफाई राउटर्स, स्मार्ट वॉचेस, ये सभी डिवाइसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करती है, जिसे हम EMF रेडिएशन भी कहते हैं। EMF रेडिएशन से सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट होता है? बच्चे। बच्चों की बॉडी इस रेडिएशन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि उनका स्कल और उनका हेड हम अडल्ट्स के मुकाबले बहुत सॉफ्ट, पतला और परमीएबल होता है। तो अगर एक अडल्ट के सर में ये रेडिएशन कुछ इंच अंदर तक जाती है, तो एक बच्चे के सर में ये पूरी तरह अंदर तक चली जाती है। अब आप सोचिए, हम तो 90s में पैदा हुए और हमारे बचपन में वाईफाई, सेल फोन्स, ये सब चीजें उतनी नहीं थी, लेकिन आज हमारे बच्चे एक ऐसी दुनिया में पैदा हो रहे हैं जो पूरी तरह EMF से सराउंडेड है, और उसके बावजूद हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो हमें जरूरत है एक प्रोटेक्शन की, और वो प्रोटेक्शन देता है मोदी केयर का इन्वायरो चिप। जी हाँ, एक समाधान है इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब। एक ग्लोब है, अगर आपने अपने घर के अंदर रख लिया ग्लोब को, तो 300 स्क्वायर फीट को कवर करेगा। चिप है जो अगर मोबाइल में आपने लगा ली, तो मोबाइल में लगाने के बाद आप अपने आप को इस रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्योंकि कोई भी चीज बताने में आदमी को ऐसा लगता है कि भाई ये तो कैसा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, कोई भी आदमी सोचेगा तो कहेगा चिप से कहाँ हो सकता है, लेकिन चिप है या ग्लोब हमने रख दिया, वो काम कैसे करेगा? इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी है, जिन्होंने इसको बनाया है वो बता रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। ध्यान से सुनिए, देखिए इसको, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, अदरवाइज किसी के कहने से आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप पहले एक बार टेक्नोलॉजी समझते हैं, फिर आगे समझते हैं इसके ऊपर क्या क्या रिसर्च हुई है, कैसे ये प्रूफ हुआ कि काम करता है। मैं
तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी काम करती है आपके सामने ये फिगर में भी आप समझ सकते हैं, जितना भी मैन मेड डिवाइस हैं, वाईफाई हो, मोबाइल हो, जो भी चीजें हैं, जो गैजेट्स हम लोग यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट वेव वो जनरेट करते हैं। हमारी बॉडी रैंडम वे पे काम करती है, ये कन्वर्टर का काम करेगा और उसको हमारे बॉडी के अनुकूल कर देगा, तो इस तरह से हमको उस इफेक्ट से बचाता है। अब इसके ऊपर ये तो इन्होंने बनाया जी, बनाने के बाद अब इसके ऊपर कोई शोध भी तो होगा, किसी के कहने से हम कैसे मान लेंगे। तो इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी हुई, एम्स के अंदर स्टडी हुई, वेदांता में स्टडी हुई है, काम करता नहीं करता, मैक्स हेल्थ केयर में हुई है, दुनिया भर की इंटरनेशनल लेबोरेटरी में, डीएबी लैब की बात करें, डीबी लैब की बात करें, सिट्रिया लैब की बात करें, बहुत जगह इसकी टेस्टिंग हुई है और पाया कि हाँ जो एक कहा जा रहा है ये सब चीज़ें काम कर रही हैं। सी सर्टिफिकेशन के साथ इस पर काम होता है। एम्स ने इसको पब्लिश किया था 28 जनवरी 2021 को, एम्स ने इसको टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश किया था और वहाँ पर इसकी जानकारी भी दी थी पूरी। और इसके ऊपर जब काम किया था जो वहाँ पर एचओडी थी डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, ये वहाँ पर एचओडी थी न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, इनकी अध्यक्षता में ही ये सारी स्टडी हुई थी, तो इन्होंने एक वीडियो भी डिक्लेयर किया था। आई एम प्रोफेसर मंजरी त्रिपाठी, हेड यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। We found at AIIMS in a research that mobile use in a controlled setting when compared to a person who's not using a mobile produced changes in the alpha and delta frequencies. We also found in a randomized study which is published to show that those who use the mobile with and without the Enviro chip, which is a small device which can be fixed on the back of the phone, there was a reduction in the EMR, and hence it would do to say that intervening, particularly in people who are constantly dependent on the mobile, by using measures like the Enviro chip can go a long way in reducing the harmful effects of the mobile radiation. हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी हुई है और ये मैक्स का सर्टिफिकेट है, वेदांता का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेशन यहाँ पर है, तो दुनिया भर के लेबोरेटरी के सर्टिफिकेट है। मतलब कोई चीज आई आने के बाद अगर वो मार्केट के अंदर है और मोदी केयर जैसी कंपनी अगर उसको आगे प्रमोट करे, इसका मतलब पूरा ऑथेंटिक, उसके पीछे ऑथेंटिसिटी है, पूरा प्रूफ है, तब जाके ये मार्केट के अंदर है और इसके बहुत शानदार रिजल्ट भी हमको मिलते हैं। ये बहुत सारे देखिए इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया, इस टेक्नोलॉजी को अपनाया, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं आपके सामने ये दिख रहे हैं, इन सारे लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को अपने अपनाया। जब ये एम्स ने इस पे रिसर्च करी, पब्लिश किया था, तो उसके बाद जी न्यूज पे भी, जी बिजनेस पे भी इसके बारे में जब चिप लॉन्च हो गई थी तो इसके बारे में जी न्यूज पे भी इसके बारे में आया था, जी बिजनेस के अंदर, ये देखिए। और हम आपको जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे और वो है एनवायरो चिप के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा चिप है विच हेल्प्स द पर्सन स्टे फिट। कैसे? जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एमिट करते हैं रेडिएशन, ये एक ऐसा चिप है हार्मफुल रेडिएशन को कन्वर्ट कर देता है विच डू नॉट हार्म योर बॉडी सो मच। आपको बस करना इतना होगा कि इस एनवायरो चिप को जो भी गैजेट आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन या टैबलेट, आप उसे बस अपने गैजेट के बैक साइड पे स्टिक कर दें एंड दिस विल डेफिनेटली डिक्रीज द चांसेस ऑफ यू स्टेइंग अनवेल। वेल, दैट इज द मोटिव ऑफ अवर शो, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड ऑल्सो स्टे चेकिंग। तो जब ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया, लोगों ने यूज किया, तो बहुत सारे लोगों को इसको रिजल्ट मिले, स्पेशली कुछ बच्चों के अंदर जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो ऐसे एक बच्चे से मुलाकात करते हैं। दोस्तों, मैं रौनक संजीत तिसगांवकर इंदौर से बोल रहा हूँ। मैं 10th क्लास में, मेरी 3 से 4 घंटे ऑनलाइन क्लास चलती है, पर दोस्तों मेरे पेरेंट्स ने मेरे मोबाइल में एनवायरो चिप लगा के रखी है, जिससे मेरा सिर दर्द नहीं करता है, आंखें जलन नहीं करती है और कभी स्ट्रेस फील नहीं होता। तो आजकल आप मोबाइल छोड़ भी नहीं सकते हो, लेकिन अगर आपके पास प्रोटेक्शन है तो हमने प्रोटेक्शन को लेना है। तो हम अनहोनी का इंतजार नहीं कर सकते हैं कि हमारे परिवार में भी हमारे पास कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए मोबाइल रेडिएशन से, उसका इंतजार नहीं कर सकते हैं। फोन कम यूज करना है और हर फोन के अंदर एनवायरो चिप लगाना है, घर के अंदर एक ग्लोब लेना है। लाइफ में एक बार का खर्चा होता है, एक बार अगर आपने खर्चा कर लिया, लाइफ टाइम वो चीजें चलती हैं, हमेशा के लिए चलती हैं, तो हम इसको अपना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने जब ये प्रोग्राम देखा, देखने के बाद जो है लोगों ने
जब जब तक देखो जब तक आपको जानकारी नहीं है, आप कैसे भी आप यूज कर रहे हो मिस यूज कर रहे हो तो आपकी गलती नहीं है, आपको उतना नॉलेज नहीं है। जब ये आंखों से हमने ये सब कुछ देख लिया ना, उसके बाद फिर हमारा अपना भी एक डिसीजन होना चाहिए कि यस, हर बच्चे का एक डिसीजन होना चाहिए, हर फैमिली का एक डिसीजन होना चाहिए। अब मोबाइल से हमने दूरी बनानी है जब इसके इतने ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं जहां पर बच्चे कमिटमेंट करते हैं। प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज से मोबाइल कम यूज करूंगी। मम्मी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मोबाइल ये तो कम यूज छोटे बच्चे करूंगी। हैं, बड़े बच्चे सबकी हम बात करते हैं, ये तो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चों की स्थिति क्या है ये देखिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ, ये कमिटमेंट करती हूँ कि मैं मोबाइल का कम यूज करूंगी। मैंने अपना अभी स्क्रीन टाइम आउट देखा, मेरा कल का स्क्रीन टाइम आउट ही 10 आवर्स का दिखा रहा है। तो मुझे सही में आज अंदर से लगा कि हाँ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। या तो मैं उसमें पढ़ाई की चीजें देख रही होती, वो भी नहीं है, मैं मूवीज वगैरह वेब सीरीज ये सब चीजें देख रही हूँ। तो आज सही में मेरे को अंदर से लगा कि हाँ मेरे को अपना टाइम आउट जो स्क्रीन टाइम आउट है वो बहुत कम करना पड़ेगा। सो आई विल वर्क ऑन इट, आई प्रॉमिस टुडे। थैंक यू। तो ये स्थिति है बच्चों की भी, छोटे बड़े सब कुछ। लेकिन वही है ना, अगर दिमाग में अगर आपको चीजें नहीं क्लियर हैं कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाला है, तो आप उसका मिसयूज कर रहे हो, स्क्रीन टाइम 10 घंटा भी चला रहे हो। अब आपको पता नहीं चलेगा कितना अंदर डैमेज करेगा। जब आपको पता चल जाता है तो उसके बाद क्या करना है, फिर चीजों पर कंट्रोल करना, ये आप सभी को करना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को लेकर अगर आपके बच्चे उसको देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो अपना अमूल्य फीडबैक जरूर दें मुझे, और एक छोटा सा वीडियो बना के दें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा नंबर है, ये सिर्फ इसलिए है कि एक जागरूकता हम लोगों तक, समाज तक इसको पहुंचा पाए। तो ये तो था हमारा आज का रेडिएशन को लेके, मोबाइल रेडिएशन को लेके, कि कैसे हम रेडिएशन के दायरे में हैं और कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं। ठीक, अब इसी में कुछ टेस्टमनी हमारे बीच में है। तो नीलम मैम, कुछ टेस्टमनी, दो टेस्टमनी आपने बोला था हमारे बीच में है। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, टेस्ट मनी ऑलरेडी हो चुका है, फिर हम कर लेंगे। अब एक पहला पार्ट तो हमने देखा कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि मोबाइल फोन जो रेडिएशन हमारे सामने है, रेडिएशन में हम लोग हैं, उस रेडिएशन से बचने के लिए हमारे पास आज तक कोई उपाय नहीं था। तो हम जैसे था ऐसे मोबाइल चलाते थे। आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, चिप लगाएंगे घर में, ग्लोब लेंगे, अपने आप को अपने परिवार को सेफ करेंगे। क्योंकि आप मोदी कर के अंदर हैं, तो मोदी कर आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि यहाँ पर अगर आप आए हैं तो आप यहाँ से पैसा भी अर्न कर सकते हैं और बहुत कुछ यहाँ से पा सकते हैं। अब ये चिप मिलेगी कैसे आपको, ये सब की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में एक जबरदस्त लीडर आ रही है, मैं उनके यहाँ पर बुलाऊंगा। तो अगले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगले 10 मिनट इस प्रोग्राम का हिस्सा और बने रहिए, और देखिए कि कैसे एक बिजनेस में भी कन्वर्ट हो सकता है और आपको ये कहाँ से और कैसे मिल सकता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा पवित्रा मैम को। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। और आज आपने आंखें खोल दी, ये हकीकत है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है। हम लोग ना इतना एडिक्ट हो चुके होते हैं, पता नहीं चलता कि कब कितना वक्त मोबाइल फोन के साथ में बीत गया। एंड इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट और डिस्ट्रैक्टिंग, तो ऑफ कोर्स वो होता ही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आपने जो सोल्यूशन दिया सर, दैट इज अमेजिंग अमेजिंग सोल्यूशन एंड अमेजिंग इम्पैक्ट, जो ये बताता है कि भैया मोबाइल फोन से हमको क्या क्या नुकसान हो सकता है और आप उससे बच भी कैसे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल प्रेजेंटेशन। सो नमस्कार फ्रेंड्स, आइए चलिए देखते हैं कि ये इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब आप कैसे ले सकते हैं और इसके साथ में आप एक बड़ा बिजनेस करके ढेर सारा पैसा कैसे कमा सकते हैं, कमाना चाहेंगे, यस और नो? राइट। थोड़ा सा मैं अपने बारे में जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि नाम पवित्रा वराडकर है, मुंबई में रहती हूँ, एक रिटायर्ड पैथोलॉजिस्ट हूँ, एक लीगल एडवाइजर हूँ और इस बिजनेस को पिछले कुछ समय से लगातार बिल्ड करती चली जा रही हूँ। आज की तारीख में एक अच्छी खासी इनकम के साथ एक बेटर लाइफस्टाइल में जी पा रही हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मुझे जीने का मकसद इसे बिजनेस ने दिया है। ऑलराइट, सो अपने बारे में बहुत ज्यादा न बताते हुए एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ आपको मैं ये बताने जा रही हूँ कि इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब आप कैसे ले सकते हैं और उसके साथ साथ में अपने खर्चों को आमदनी में कैसे बदल सकते हैं। यस, यू हर्ड मी वेरी राइट। खर्चा तो हम सब करते हैं, यस और नो? जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए हमें खर्चे करने होते हैं और ये खर्चों को ही अगर आप आमदनी में बदल पाए तो इससे बेहतर और मौका क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एंड हियर आई गो। सो फ्रेंड्स, अपने खर्चों को आमदनी में बदलिए और अपने सपने जो है वो पूरे करिए।
सपने सभी देखते हैं, यस और नो? और जब सपने देखते हैं, सपने हैं तो उनको पूरा करने का भी अधिकार हमें ही मानव योनि में जरूर से मिलता है। आइए देखते हैं किस तरीके से हम अपने खर्चों को आमदनी में बदल सकते हैं। हमारे क्या सपने होते हैं और कैसे हम अपने सपनों को पूरा करते हैं? एक आम इंसान का सपना होता है कि अपना खुद का एक घर हो, बड़ा सा, अपना खुद का, खुद के नाम का मकान हो, किराए के मकान में वो ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता, अपनी खुद की एक गाड़ी हो, एक ऐसी कार जिसमें आप अपने परिवार को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके आप लाइफ एंजॉय कर सके, देश विदेश की यात्रा आप अपने परिवार के साथ कर सके, मान सम्मान की जिंदगी भरपूर जी सके, और साथ ही साथ ढेर सारे पैसों के साथ परिवार के साथ वक्त बिताना हम सभी चाहते हैं, राइट? क्योंकि 9 to 5 जॉब में, नौकरी में हम कहीं इतना खो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि जिंदगी जीना भूल जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली जिस परिवार के लिए हम ये पैसा कमाते हैं उसी को हम वक्त नहीं दे पाते, राइट फ्रेंड्स? साथ ही साथ हमें दूसरों की मदद करना भी पसंद है। जितना मैं जानती हूँ और समझती हूँ, इंसानों को ना एक दूसरे की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये मदद करना हम पसंद तो जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। पैसे की कंस्ट्रेंट्स के कारण हम जो है किसी और की मदद नहीं कर पाते। कैसे आप सिर्फ अपनी रोजमर्रा की आदतें बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमारी क्या आदतें हैं रोजमर्रा। अगर मैं आप लोगों को पूछूं, रोज नहाते हैं, यस और नो? यस। हम ब्रश करते हैं, हम घर में खाना बनाते हैं, घर में हमारे कपड़े धुलते हैं, घर की साफ सफाई होती है, ये सब सामान आप कहाँ से लाते हो? जाहिर सी बात है, किसी ने किसी पड़ोस की दुकान से लाते हैं, मॉल से या कैंटीन से लेके आते हैं। अब देखो, हकीकत तो ये है कि ये सामान तो हमें हमेशा ही लेना है, राइट? ये खर्चा हमेशा से बना रहेगा, आज तक भी बना है और कल भी बना हुआ रहेगा। इस खर्चे का हम कर तो कुछ नहीं सकते। जीवन में रोजमर्रा के सामान पे होने वाला, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर हम उसका कैलकुलेशन करें तो एक आसपास में 5,000 रुपए का भर का उसका महीने भर का सामान लग जाता है ना? कम से कम अगर 5,000 रुपए की भी खरीदारी कोई मिडिल क्लास फैमिली अपने परिवार को चलाने के लिए करती है बाजार से, 12 महीने साल के वो करते हैं, और एक एवरेज इंसान की लाइफ स्पैन को अगर हम पकड़े तो 70 साल की एक एवरेज लाइफ स्पैन होती है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि 5,000 रुपया महीना 70 साल के लिए अगर हम करें, इसका कैलकुलेशन करें, तो तकरीबन 42 लाख रुपया हम लोग खर्चा कर देते हैं बाजार से अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान लाने में। अब ये 42 लाख रुपए का 70% हिस्सा जो है वो बिचौलियों को चला जाता है, यानी हम चाहें या ना चाहें, हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमारे जेब से 29,40,000 रुपया अपनी जेब से दूसरे के जेब में हम डाल के आ जाते हैं। और अगर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं, 3,000 रुपया महीने का भी अगर आपके घर में सामान लगता है तो मतलब 70 सालों में 25,20,000 रुपया हम खर्च कराते हैं। 25,20,000 का 70% पैसा जो है वो 17,64,000 रुपया हम बिचौलियों के जेब में जाके डाल सकते हैं। अब आपको एक सवाल पूछती हूँ, 70% पैसा जो बिचौलियों के जेब में जा रहा है वो आपका हो सकता है, क्या आप अपने इस खर्चों को आमदनी में बदलना चाहते हैं? यस, राइट? चलिए देखते हैं किस तरीके से आपके पैसे बच सकते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि परंपरागत व्यवसाय यानी ट्रेडिशनल बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में क्या अंतर होता है। अगर मैं आपके बात करूं कि भैया सुबह घर में एक टूथपेस्ट, एक नहाने का साबुन अगर खत्म हो गया है, तकरीबन 100 रुपये आपको बाजार में लगेगा वो चीजें को खरीदने के लिए। तो आप दुकानदार से खरीदो या मॉल से खरीदो, 100 रुपया जब आपके जेब से जाता है, आप अपनी जरूरत का सामान लेके आते हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने ये सामान आपके लिए बनाया उसकी जेब में तो कुल 35 रुपए जाते हैं, पर बाकी के बीच के बचे हुए 65% पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो जाता है ना? इन लोगों में ये पैसा बांट दिया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में ये सारे बिचौलियों को हटा दिया जाता है। ये प्रोडक्ट की कहीं पे भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, कोई होलसेलर नहीं होता, कोई रिटेलर नहीं होता है, कंपनी से डायरेक्टली ये सामान आपको मिल जाता है, और बीच में जो 65-70% पैसा बिचौलियों में बटता था ये फायदा आपको मिलने लग जाता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर में आपका स्वागत है, राइट? ये बिजनेस का ये जो मौका है ये लेके आई है मोदी केयर कंपनी, जो हमारे देश में 1996 में, यानी आज से तकरीबन 29 साल पहले ये बिजनेस की शुरुआत हुई थी। आइडिया से
मान्यता प्राप्त कंपनी है। 2000 रुपए से भी, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का हम सालाना टर्नओवर करते हैं। 14 अलग अलग कैटेगरीज में हमारे पास 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है और बहुत सारे पुरस्कार हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं। आप यहाँ पर ऑनलाइन भी खरीदारी कर सकते हो, होम डिलीवरी आपको मिल जाएगी। 15,000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हमारे पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। मोदी केयर से जब आप खरीदारी करते हो तो क्या फायदा होता है? यहाँ पे आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट देने होते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब और आपके घर में लगने वाला सारा के सारा सामान आप मोदी केयर के स्टोर से खरीद सकते हो। यहाँ से जब आप सामान खरीदते हो तो आपको करीबन कम से कम 10 से 30% तक का डिस्काउंट मिलता है लाइफ टाइम ऑन MRP ऑन ऑल योर परचेजेस। मोदी केयर से जब आप खरीदारी करते हो तो 1000 रुपए का जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो 100 रुपए का सामान आपको 1 रुपए में मिल जाता है। 2000 का अगर आपका सिंगल परचेज है तो 200 रुपए का सामान आपको मिल जाता है। 3000 की अगर आपकी परचेज है तो 300 रुपए का सामान आपको 1 रुपए में मिल जाता है। और अगर 5000 रुपए की आपकी खरीदारी है तो 500 रुपए का सामान आपको 1 रुपए में मिल जाता है। ये सभी ऑफर जो है वो आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको लॉयल्टी प्रोग्राम का फायदा आपको मिलता है। अगर आपकी खरीदारी 2500 से लेके 7000 रुपए के बीच में है, आपने हर महीने, यहाँ पे एवरेज में आपको बताया जा रहा है कि भैया अगर समझो 5000 रुपए की भी आपकी मंथली परचेज है, 5000 रुपए की खरीदारी आप लगातार 6 महीने करते हैं तो पूरे 5000 रुपए का सामान आपके चॉइस का आपको फ्री मिल जाता है। और यही खरीदारी जब आप 12 महीने लगातार करते हैं तो बाद में आपको वापस से 2 महीने का सामान और एक्स्ट्रा आपको फ्री मिल जाता है। यानी कुल मिला के 15000 रुपए तक का सामान आपको फ्री में साल भर में आपके चॉइस का आपको मिल जाता है। और इसी के साथ साथ आपको मिलता है कैशबैक। हर महीने की खरीद पे जितने भी पॉइंट्स आपके इकट्ठा होते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जिसके ऊपर 7 से 16% तक के पैसे आपके खाते में आज जो है वो जमा हो जाते हैं। क्या डिफरेंस है जब आप बाजार से खरीदते हो और मोदी केयर से खरीदते हो? सबसे पहले तो मोदी केयर के हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको रिटर्न 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। यानी कोई सा भी प्रोडक्ट आप लीजिए, उसे इस्तेमाल कीजिए, अगर वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया तो आप अपने वो सामान को वापस करके पूरे के पूरे पैसे रिफंड ले सकते हैं। डिस्काउंट आपको मिल जाता है। एवरेज में अगर मैं 10 से 30% का एवरेज पकड़ूं तो तकरीबन 15% का मिनिमम डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको फ्री प्रोडक्ट ऑफर के 10% के मिल जाते हैं। कैशबैक एवरेज में 5% आपको मिल जाता है। लॉयल्टी के फ्री प्रोडक्ट 25% आपको मिलते हैं। ये सारी चीजों को जब आप एड ऑन करेंगे तो आपके खरीदारी के 55% बचत आपकी सीधे सीधे हो जाती है। एक और कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर एवरेज में आपके 3000 रुपए की महीने की खरीदारी है तो आपको हर महीने 1650 रुपए जो है डिस्काउंट में वो सामान पड़ जाएगा, फ्री प्रोडक्ट्स और सारी ऑफर्स को जब आप इसमें एड ऑन कर लेते हो। मोदी केयर से पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा, ये तो था ग्राहक बनने का फायदा। पैसा कमाने के लिए क्या करना है? जो फायदा आपको मिला, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद उसका एक्सपीरियंस आपको मिला, जो बेनिफिट्स आपको मिले, ये सारे के सारे फायदे जब अपने दोस्त पड़ोसी और रिश्तेदारों से बातचीत करना शुरू करते हैं तो धीरे 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 आपकी टीम बनना शुरू हो जाती है। एक पॉसिबिलिटी को हम देखते हैं, धीरे धीरे करते करते में भी 2 साल में 4 साल में 5 साल में 10,000 लोग आपकी टीम में आ जाते हैं। एवरेज में अगर 2500 रुपए के भी हर एक के महीने की खरीदारी हो गई, 10,000 लोगों ने अगर 2500 का सामान खरीदा, टोटल टर्नओवर हुआ तकरीबन 1 करोड़ रुपए का और आपकी जो महीने की इनकम है वो आ जाती है 10 लाख रुपए महीने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मौका सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता, आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को, जितने भी लोग आपकी टीम में आते हैं, ये सारे फायदे उन्हें भी इक्वली मिलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर इस बिजनेस में बहुत सारे लोग अलग अलग सक्सेसफुल हो रहे हैं। हाउसवाइफ भी यहाँ पर आज की तारीख में लाखों रुपया महीना कमा रही है। जो मेरी अपलाइन है डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, वो आज की तारीख में 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाती है इसी बिजनेस से। स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार को आर्थिक मदद कर रहे हैं। स्टूडेंट के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो अक्षी दत्ता नाम की एक लड़की है जिन्होंने 19 साल की उम्र में स्टूडेंट पढ़ाई करते करते इस बिजनेस की शुरुआत की। फ्रेंड्स आज की तारीख में 15 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। प्राइवेट जॉब करने वाले लोग भी इसको पार्ट टाइम करके बहुत बड़ी इनकम ले रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वाले लोग भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने खुद ने इस बिजनेस को रिटायरमेंट के बाद में शुरू किया। और फ्रेंड्स प्रोफेशनल्स भी यहाँ पर अपना फ्यूचर देख रहे हैं।
मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ और अपने फ्यूचर के लिए ही मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की है। 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर रहा है, जो सपने देखता है उन सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। अगले सफल व्यक्ति आप हो सकते हैं, डिसीशन आपको लेना है। आप इसमें इन्वायरोचिप इन्वायरोग्लोब भी ले सकते हैं और अपने घर का प्रोडक्ट, अपने घर का सामान भी ले सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज है फ्रेंड्स, जो यूनिक है ना, मार्केट में आपको उसके बदले का कोई कंपटीशन प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। घर की दुकान बदलिए, अपने खुद के दुकान बदलिए, घर के दुकान शुरू कीजिए और ढेर सारा पैसा और फ्रीडम ऑफ लाइफ आप ये बिजनेस से पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं वापस से नीलम जी को इनवाइट करना चाहूंगी। नीलम मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा और वास्तव में ही आँख खोल देने वाला जो है ये सेशन रहा था। तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि सबने जो है वो देखा होगा और सुना होगा कि हमें मोबाइल जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो नवीन सर, मैं आपको इन्वाइट करती हूँ कि अगर शालू मैम इज देयर तो आप उन्हें इन्वाइट करें। यस, चलिए सालू जी को हम यहाँ पर इनवाइट करते हैं उनकी शेयरिंग के लिए, अगर हमारे बीच में है तो। यस सालू सिंगल मैम हमारे बीच में है, तो वेलकम मैम, हम आपको यहाँ पर इनवाइट करते हैं आपकी शेयरिंग के लिए। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाम शालू सिंगल है, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और रियली आज आपका सेशन बहुत सुपर हिट रहा। और जब मैंने आज से 6 साल पहले मोदी केयर ज्वाइन किया और ये चिप हमारी लॉन्च हुई थी, मैंने भी सबसे पहले अपने हस्बैंड के मोबाइल पे लगाई थी और उन्होंने मुझे इसका फीडबैक बहुत अच्छा दिया, क्योंकि जेंट्स हमेशा अपने पॉकेट में मोबाइल रखते हैं और उनके लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है ये शाम तक। तो इसका फीडबैक शुरू से ही बहुत अच्छा आ रहा है और इसका रिजल्ट हम सभी को पता है कि बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है अपनी फैमिली को सेव करना। और अगर जर्नी की बात करूं, एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो चाहती थी वो मुंह खोलते ही मिल जाता था, तो कभी कुछ लाइफ में नहीं किया था। अपनी कोई पहचान नहीं थी, अंकुर की मम्मी सिंगल साहब की बहू हमेशा से थी, लेकिन यहाँ मोदी केयर में आज शालू सिंगल के नाम से पहचानी जाती हूँ। और 6 साल पहले इस सफर को शुरू किया था एक यूजर के तौर पर, कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे थे तो यूज करने के लिए। और रियली बताऊं तो 105 रुपए के कैशबैक ने मुझे मोटिवेट किया था कि हाँ, यहाँ से अर्निंग भी होती है। उस 105 रुपए का एक रिटर्न जो मुझे आया था फर्स्ट कैशबैक, उसका नतीजा हुआ कि आज मैं यहाँ से 1,40,000 के इनकम को एंजॉय कर रही हूँ। गाड़ी ले चुकी हूँ, 3 फॉरेन ट्रिप ले चुकी हूँ और इसके साथ साथ आज मोदी केयर की ताकत है। अपने 1 करोड़ के घर में रहती थी और आज शिफ्ट हो चुकी हूँ 2 करोड़ के घर में। एक बहुत अच्छी पावर के साथ मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम इसमें पैसिव इनकम भी लेते हैं, वो मैंने इन 2 साल में देखी कि 2 साल मेरी लाइफ के बहुत कंजेस्टेड रहे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, फिर मेरी मदर इन लॉ बेड पर आ गई, तो बहुत कम काम करने पर भी मैंने यहाँ से बहुत अच्छे इनकम को देखा। तो ये रियलिटी है लाइफ की। और सुरेखा भागम मैम मेरी हमेशा से आइडल रही हैं, जब मैंने इसे ज्वाइन किया था तो वो गाजियाबाद वीकली सेशन में आया करती थी और मैं उन्हें देख देख के मोटिवेट होती थी कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ कैसे इस बिजनेस को बिल्ड कर कर इतना अर्निंग कर रही है। मैंने गाड़ी ली, बहुत अच्छा लगा। मेरी टीम में 7 गाड़ियां आ चुकी हैं और इस साल का टारगेट है 21 लोगों के साथ हम लोग कार अचीवर होंगे। और मेरा चेक आ रहा है, जो मैं अपना चेक अपना 2 लाख प्लस ले जाऊंगी मिडल में मंथ ईयर के। और अपनी टीम में हाईएस्ट चेक जो मेरा 1 लाख ऑलरेडी मेरी टीम लीडर का भी आ रहा है, उसके साथ मैं अपनी टीम में 4 50,000 लीडर लाऊंगी। 50,000 कमाने वाले लीडर को लेकर आ रही हूँ और 10 आ रहे हैं मेरे 10 10,000 कमाने वाले। बिल्कुल विजन क्लियर है, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता। थैंक यू समीर सर। अब मेरी थैंक यू अपलाइन जी, हर्षिता थैंक यू जी और मैम, अंजना जी। थैंक यू मैम आपकी शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल एक हाउसवाइफ देखिए, खुद के तो सपने पूरे कर ही रही हैं मोदी केयर के सिस्टम का हिस्सा बन के, आज टीम में बहुत सारे लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं। चलिए एक और कहानी सुनते हैं नेक्स्ट, हम अंजना मैम को बुलाते हैं यहाँ पर उनकी शेयरिंग के लिए।
गुड मॉर्निंग, के मॉर्निंग सर। सबसे गुड। पहले थैंक यू सभी ग्रेट एलओएस का, जिसमें सुरेखा मैम वाकई में बहुत हम उन्हीं को देख देख के बड़े हुए हैं सर। सही में अभी शालू जी ने सही कहा, जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तो वो गाजियाबाद मदन स्वीट्स में आती थी, और लिटरली जब मैं पहली बार मिली थी ना तो उन्होंने खुद मुझे शाइन किया था कि अंजना जी आपने इसको ज्वाइन किया है ना तो बहुत आगे तक जाओगे, और यही उनकी ब्लेसिंग है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। 6 साल पहले इस जर्नी को शुरू करा था, हाउस वाइफ थी, घर में फॉल पिको किया करती थी, क्योंकि है ना एक कहीं ना कहीं होती है हाउसवाइफ की अपने हस्बैंड के आगे हाथ ना फैलाए, तो मेरे अंदर भी वही चीज थी कि मैं हस्बैंड के आगे हाथ नहीं फैलाऊं, क्योंकि मुझे है ना किसी को भी कहते हैं ना जब 500 रुपए मांगो तो उसको है ना डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल होता है कि भैया 500 रुपए कहाँ खर्च करे। हम नेक्स्ट डे मांगते हैं तो फिर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कल तो दिए थे 500 रुपए, आज क्या करना है, तो वो मुझे बिल्कुल लाइफ पसंद नहीं थी, इसीलिए मैंने फॉल पिको स्टार्ट किया। लेकिन 7 साल पहले मोदी केयर में आया और लगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो सही 5,000 तो इस मोदी केयर से कमा ही सकती हूँ। सर आज बताते हो बहुत खुशी होती है कि मैं आज 5,000 रुपए महीना कमाने आई थी, लेकिन आज 5,000 से ज्यादा का मैं पर डे का कमाती हूँ यहाँ मोदी केयर से। और इसी के साथ साथ एक छोटी सी सोच को बदला था, जैसे अभी प्लान भी समझाया गया कि एक अपनी दुकानदारी बदलिए, दुकानदारी खुद मेरे हस्बैंड जनरल स्टोर चलाते हैं, तो कोई नीड भी नहीं थी, जनरल स्टोर ऑलरेडी घर में था तो मेरे को प्रोडक्ट की कोई नीड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर है ना लगा कि यहाँ एक केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, क्यों ना अपने बच्चों को अच्छी हेल्थ दी जाए, इसीलिए इसको ज्वाइन किया। एक सिस्टम का पार्ट पति बनी तो वहां से क्लियर हो गया कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, बस उसी से यहाँ जर्नी स्टार्ट हो गई, और यहाँ से आप 2.25 लाख रुपए की हाइएस्ट इनकम ले चुकी हूँ, और यहाँ से 4-5 विदेशी यात्राएं ले चुकी हूँ, केवल एक डिसीजन लिया, दुकान बदली, सेल्फ यूजर बनी, और उसी के साथ साथ शेयरिंग करती चली गई, 5 ट्रिप बहुत शानदार स्टोरी मैम आपकी। और यहाँ से 13 कार मेरी टीम में आ चुकी है, और एक प्यारा सा घर 85 लाख का वो भी मैं यहाँ से ले चुकी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। देखिए मोदी घर में आने के बाद अपनी शॉप चेंज करते हैं, प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छा है, सिस्टम का हिस्सा बन गए, एक फॉल पिको का काम करने वाली लेडी हमारे बीच में जो आज लगभग 2 लाख रुपया महीना कमा रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसके पीछे छिपी है। मैं तो ये कहूंगा जिन्होंने भी आपको आज की मीटिंग में इन्वाइट किया है जरूर उनसे संपर्क करें और इसे फ्री अपॉर्चुनिटी को जरूर जाने। नेक्स्ट आगे मैं फिर दोबारा होस्ट के यहाँ पर बुलाऊंगा। नीलम मैम ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपने आज सच में ही आंखें जो है वो बिल्कुल सबकी खोल दी हैं। तो मोबाइल जो है हमें सिर्फ अगर कभी कोई जरूरत है तभी हम जो है उसको छुएंगे भी, अदरवाइज जो है उसको अपने से दूर ही रखेंगे। सो फ्रेंड्स, कल जो है हम सब LTP में मिलेंगे रात को 9 बजे। सो प्लीज कम विद योर टीम। थैंक यू सो मच।